दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह बार बार नए लक्ष्य बनाता, लेकिन हर बार वह अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाता। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे सफल लोग अपने लक्ष्यों को बड़ी आसानी से पा लेते हैं, और मैं यहाँ लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार कोशिशें कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल ही नहीं कर पा रहा। आखिर उनमें और मुझ में ऐसा क्या अलग है? उनमें ऐसी क्या खास बात है जिस कारण वो अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी बड़ी ही जल्दी और आसानी से पा लेते हैं? वह इस सवाल को लेकर बहुत परेशान था। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक गुरुवर आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है। वह बिना कुछ सोचे समझे उन गुरुवर के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में इतने सारे सफल लोग हैं जो अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को बड़ी तीव्रता और आसानी से पा लेते हैं, और तो और वे लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, और एक मैं हूं कि मैं अपने जीवन में लक्ष्य बनाता रहता हूं और बहुत मेहनत भी करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल ही नहीं कर पाता। वहीं पर वे सफल लोग, वे अमीर लोग पल भर में अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है और उनमें ऐसी क्या खास बात है जिस कारण वे लोग हम लोगों से अलग और बहुत ज्यादा कामयाब हैं? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जीवन में सफल और अमीर होने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होता है। बिना उन नियमों के तुम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और वे सफल लोग भी इन्हीं नियमों का पालन करके अपने जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं, और यही कारण है कि वे लोग कम से कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं, कम से कम समय में वे अधिक से अधिक सफल हो पाते हैं। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे वह नियम बता सकते हैं? क्या आप मुझे वह मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं भी उस मार्ग पर चलकर कम से कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं, कम से कम समय में मैं अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हाँ, मैं तुमको वो सारे नियम बता सकता हूं जिसका पालन करके तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो, और यदि तुम उनका नियमित पालन करते हो तो तुम अवश्य ही कम से कम समय में अपने जीवन में कामयाब भी हो सकोगे, और इन नियमों में इतनी ताकत है कि तुम अपने 10 साल के लक्ष्य को भी सिर्फ 6 महीने में हासिल कर सकते हो। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा ही नहीं तो तुम भला किस लक्ष्य को प्राप्त करोगे? लक्ष्य हमें एक दिशा देता है, और यही दिशा हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा, सबसे पहले तो अपना लक्ष्य एक कागज पर लिख लो, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे लोग अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क को दिन भर में हजारों काम करने होते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क हमारे लक्ष्य को बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को एक कागज पर अवश्य लिखो और उसे अपने साथ रखो, ताकि तुम कम से कम दिन में 2 से 3 बार उसे देख सको, उसे पढ़ सको। ऐसा करने से तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ जाता है, और वह तुम्हारे मस्तिष्क में
एक दिशा निर्धारित करता है जिससे तुम हमेशा अपने लक्ष्य को याद रख सकोगे और वह तुम्हें हमेशा ख्याल रहेगा। हमें से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि वे अपने लक्ष्य को कभी कहीं नहीं लिखते, जिसके कारण उनके दिमाग से उनका लक्ष्य निकल जाता है और वे लोग बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसी कारण वे अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और ज्यादा करो। हम में से अधिकांश लोग केवल दूसरों को जलाने और दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली बर्तन और सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करो, अपनी संगत ठीक करो। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हों जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, और यदि आप भी उन्हीं के संगत में हैं तो आप पर भी उनका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा और ऐसे में आप भी उन्हीं की तरह कार्य करने लग जाएंगे। आप भी उन्हीं की तरह बिना लक्ष्य के किसी भी दिशा में कार्य करते रहेंगे। लोगों की बुराई, दूसरों की चुगली करना बंद करो, दूसरों के बारे में भी सोचना बंद करो, क्योंकि आप हो या ना हो ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। तुम्हारे होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करना बंद करो और उस समय को बचाओ, उस समय को अपने लक्ष्य पर लगाओ। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा खाओ, क्योंकि खराब भोजन ना केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वह हमारे मस्तिष्क को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिस कारण हम बेवजह चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, सरदर्द, आलस और ध्यान ना लग पाना। ऐसे ही कई प्रकार के विकार अच्छा भोजन ना करने के कारण होते हैं। जब आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे केंद्रित कर पाएंगे। इसलिए शरीर को हमेशा अच्छा भोजन कराएं, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम कर पाएगा और आप अपने लक्ष्य में तीव्रता से आगे की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर अधिक और अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को कहते हैं, कम से कम 3 ऐसे मजबूत कारण बनाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्य पर हमेशा टिका कर रखें, क्योंकि जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो उस लक्ष्य को पाने के पीछे आपका क्या मकसद है, आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो, और अपने इन कारणों को हमेशा अपनी भावनाओं से जोड़ो, क्योंकि जब तक हमारे कारण हमारी भावनाओं से नहीं जुड़े होंगे तब तक हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा हासिल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मित्र आपके पास आता है और वो आपसे कहता है, मित्र तुम मुझे 5,000 रुपए दो और हम एक अच्छी जगह पर घूमने चलेंगे। ऐसे समय पर आप अधिकांश यही सोचेंगे कि 5,000 रुपए देकर मुझे क्या लाभ और ऐसी जगह पर घूमने का क्या फायदा जहां पर मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़े। और वहीं पर यदि कोई आपका घर का सदस्य आपसे आकर ये कहे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे दवाइयों के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है, तो आप उसे तुरंत ही दे देंगे, फिर भले ही वो पैसे आपके पास क्यों ना हो, आप उसका बंदोबस्त कर ही लेंगे। इसलिए हमारे कारण हमेशा हमारी भावनाओं से जुड़े होने चाहिए, और कारण बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जोश के साथ काम करने पर आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिनों तक ही उस कार्य को कर पाएंगे, और उसके बाद आपका मन टालमटोल करने लगेगा और आप भी अपने मन की बातों में आ जाएंगे। किंतु यदि आपके पास एक मजबूत कारण होगा जो आपकी भावनाओं से जुड़ा होगा तो आप उस काम में मन लगा पाएंगे और उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मोटे हैं और आपको पतला होना है। ऐसे में यदि आप मेरी यह वीडियो देखकर कुछ दिन के लिए प्रेरित हो भी जाते हैं तो आप 2-3 दिनों तक तो खूब मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका आलस जाग उठेगा
और आपका मन टाल मटोल करना शुरू कर देगा और फिर आप अपने इस लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका कारण आपकी भावनाओं से जुड़ा होगा, मुझे तो अच्छा दिखना ही होगा वरना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे मोटा कहकर पुकारेंगे और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में पतला तो होना ही है। ठीक इसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य के लिए भी अपनी भावनाओं से जोड़कर कम से कम 3 ऐसे मजबूत कारण बनाने चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकें। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो। यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो खुद पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा। तुम्हें विश्वास करना ही होगा कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, तुम सफल बन सकते हो। पर समस्या तो यह है कि हम में से अधिकांश लोग जब भी कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उससे पहले ही उसके परिणामों के बारे में सोच लेते हैं, जिस कारण हमारे मन में तरह तरह के डर उत्पन्न हो जाते हैं और हम अपने ऊपर विश्वास रख ही नहीं पाते। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जिस कारण हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को 6 प्रकार के डर हमेशा सताते हैं। गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खोने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें ये डर सता रहे हैं तो आज से ही अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नकारात्मक बातें खुद से करेंगे तब तक आपके मन में ये डर हमेशा यूं ही बैठे रहेंगे और आप अपने जीवन में कभी कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं तो देखते ही देखते आपके मन से ये सारे डर एक एक करके खत्म हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास अपने आप ही खुद पर बढ़ने लगेगा। हमेशा अपने अंदर के डर का सामना करना सीखो, क्योंकि इससे आपको ही लाभ होगा। आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति जागेगी, आपके अंदर वो काबिलियत जागेगी और आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। मान लीजिए यदि कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो अपने जीवन में कभी कुछ कर पाएगा? क्या वो अपने जीवन में चलना सीख पाएगा? इसलिए अपने आप को सकारात्मक बनाइए और इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़िए। इस दौरान हो सकता है कि आप अनगिनत बार गिरें, लेकिन आपको उन अनगिनत बार उठना ही होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास खुद पर बढ़ेगा। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, एक सफल व्यक्ति की तरह सोचना सीखो। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सफल होते हुए देखा है जो अपने आप से नकारात्मक बातें करता है, जैसे कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है? नहीं ना। इसीलिए एक सफल व्यक्ति की तरह सोचना सीखो, खुद से सकारात्मक बातें करो, एक सफल व्यक्ति की तरह काम करना सीखो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक सही और सटीक योजना बनाओ और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी जरूरी काम आपको करने चाहिए उन्हें करना शुरू कर दो। एक आम आदमी और एक सफल व्यक्ति में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। एक आम आदमी जब 2 या 3 बार असफल हो जाता है तो वह हार मान लेता है और अपने घुटने टेक देता है। वहीं पर एक सफल व्यक्ति जब लगातार असफलता प्राप्त करता है तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगता है। उसकी सोच उस समय पर केवल यही होती है कि आखिर मैं अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, आखिर ऐसी क्या कमी रह जा रही है। वह अपना आकलन करता है और लगातार अपना प्रयास जारी रखता है। एक सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटा रहता है। वह जितनी बार असफल होता है उसका आत्मविश्वास उतना ही दृढ़ होता जाता है, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही बात होती है कि मुझे तो अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहना है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, हमेशा कुछ ज्यादा करने का प्रयास करो। यही एक आदत है
जो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी नौकरी करने वाले इंसान को जल्द से जल्द सफलता पाने में मदद करती है। याद रखिएगा कि जितना भी आपको आपके काम के लिए भुगतान किया जा रहा है, आप उससे अधिक देने का प्रयास करें, आप उससे अधिक करने का प्रयास करें। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको आपके काम के लिए थोड़े कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन उस वक्त आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। मान लो कि आपको कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में आप किसी व्यापारी के यहाँ पर काम करने लगते हो और आपको वहाँ पर वेतन कम मिल रहा है, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत करो कि आप वहाँ पर केवल पैसे कमाने आए हो, बल्कि आपको ऐसा बर्ताव रखना चाहिए जैसे कि मैं तो सीखने आया हूँ। आपको उन कम पैसों में भी अधिक से अधिक प्रयास करने हैं, अधिक से अधिक कोशिशें करनी है, और हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। ऐसा करने से लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप हजारों की भीड़ में भी अलग दिखने लगोगे, और देखते ही देखते आप उस व्यापार के हर एक गुण में निपुण होने लगोगे। हर कोई आपको पहचानने लगेगा, आपसे जुड़ने लगेगा, और आपको उस व्यापार के बारे में वो हर चीज आसानी से पता चलने लगेगी जो आपको उस व्यापार में सफल बना सकती है। याद रहे कि जो लोग अपने काम में मन लगाकर अपना 100% देते हैं, वे लोग हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और वे ही लोग अपने जीवन में सफल भी हो पाते हैं, क्योंकि वे लोग अपने काम से प्यार करते हैं। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, इस भीड़ से हटकर कुछ नया और अलग करने का प्रयास करो, अर्थात अपनी रचनात्मक दृष्टि को बढ़ाओ। वैसे देखा जाए तो सृजनशीलता तो हर व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक दृष्टि से देखने के लायक बनाते हैं, और यही दृष्टि हमें कुछ अलग और नया करने का सुझाव भी देती है। जो भी परिस्थितियां, जो भी हालात हमारे सामने आते हैं, वो हमें कुछ नया सिखाते हैं, और यही अनुभव और इन्हीं अनुभवों से हमारे भीतर नए नए विचारों का जन्म होता है। एक पल के लिए जरा यह सोचकर देखिए कि जब भी जीवन में आपके कोई परेशानी आती है या ऐसे कोई हालात आते हैं, तो क्या आप पहले से ही उन परिस्थितियों का समाधान जानते थे? नहीं, बल्कि आपने उन परिस्थितियों का अनुभव किया, उन हालातों को अच्छी तरह से देखा, परखा, जाना, और उसके बाद आपने उनके समाधान पर काम किया, और देखते ही देखते आपने उनका समाधान भी निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार हमें भी इसी तरह से रचनात्मक दृष्टि कुछ न कुछ अलग सिखाती ही रहती है। इसलिए अपनी रचनात्मक दृष्टि को बढ़ाने का प्रयास करें, कुछ अलग और नया करने का प्रयास करें, अलग अलग विषयों का अध्ययन करें, नई जगहों पर घूमने जाएं, नए लोगों से बात करें, और नए कामों को करने का प्रयास करें। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, लोगों की बुराई पर ध्यान मत दो, क्योंकि हम चाहे कितने भी अच्छे हों, हम चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करते हों, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जरूर होंगे जो आपके हर काम में आपकी कमियां निकालते होंगे। आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, वो आपकी बुराई ही करेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ना ही उनसे बहस करें, क्योंकि इससे आपका ही समय व्यर्थ जाएगा और आपकी ही ऊर्जा बर्बाद होगी। और यदि आप इनसे लगातार उलझने लगते हो, तो देखते ही देखते आप उनकी तरह बन जाओगे। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपनी नजरें लक्ष्य पर टिकाए रखो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी मुसीबत आने पर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और इस हालात में वह अपने लक्ष्य को भी त्याग देता है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे व्यक्ति तो केवल दूसरों को देखकर यही कहते रह जाते हैं कि आखिर उसका काम कितना आसान है, कितना सरल है, और कितना फायदेमंद है, और फिर वही व्यक्ति अपना काम छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि उसका काम उसे सरल
और आसान नजर आ रहा है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानियां आपके सामने क्यों ना आए, उसका डटकर सामना करो। हाँ, यदि आप चाहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते जरूर बदल सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। आगे भगुरुवर उस व्यक्ति को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखना सीखो, क्योंकि जीवन में असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। असफलताएं तो हमें बस सिखाने आती हैं, वो तो केवल एक परिस्थितियां हैं, एक हालात हैं, जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने आती हैं, जो आपको कुछ नया सिखा कर जाती हैं। वो आपको यही बताती हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ये तरीका काम नहीं करने वाला, आपको कुछ और अलग कोशिश करनी होगी, कुछ नए तरीके खोजने होंगे। ऐसे ही हर असफलता, हर परिस्थितियां, हर हालात आपके सामने एक नई चुनौती लेकर आते हैं और वो आपको और कुछ नया सिखाते हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में उन परिस्थितियों से सीखना चाहिए, ना कि उनके सामने घुटने टेकने चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको निराश होकर रुकना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर मजबूती से और आगे बढ़ना है। इतना कहकर वह गुरुवर यहीं पर शांत हो गए और वह व्यक्ति भी ये समझ चुका था कि वो अपने लक्ष्य को क्यों हासिल नहीं कर पा रहा, और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।